गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, आज हम जीव विज्ञान में एक नया चैप्टर जो है वंशा गति का आणविक सिद्धांत, उसमें एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आरएनए क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं, सबके कार्य बताओ। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो बच्चों चलिए देखते हैं हम आरएनए क्या होता है और उसके कितने टाइप होते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 13 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया है। तो इस तरीके से देख सकते हैं बच्चों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों जो ये आरएनए होता है ये किससे मिलकर बना होता है? आरएनए मिलकर बना होता है राइबोज सुगर से, राइबोज सुगर से, नाइट्रोजिनस बेस से और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों आरएनए किससे मिलकर बना होता है? राइबोज सुगर से, नाइट्रोजिनस बेस से और फास्फेट से मिलकर बना होता है क्या आरएनए? ये क्या है बच्चों? ये एक न्यूक्लियोटाइड है और इसका जो अणु भार होता है वो अधिक होता है, क्योंकि जो आरएनए होता है वो अधिक अणु भार वाली पॉली न्यूक्लियो टाइट से मिलकर बना होता है, यह डीएनए से भिन्न होता है। तो बच्चों ये डीएनए से किस में भिन्न होता है? इसमें अभी हमने बताया इसमें राइबोस सुगर पाई जाती है, लेकिन जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सी राइबोस सुगर पाई जाती है। और इसमें आरएनए में क्या होता है? आरएनए में राइबोस सुगर पाई जाती है। नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं बच्चों इसमें प्यूरीन होता है, और पिरामिडीन होता है। प्यूरीन में क्या आता है बच्चों? एडिनीन और ग्वानीन आता है, पिरामिडीन में यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमीन आता है। तो बच्चों जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है? उसमें प्यूरीन, एडेनिन, ग्वानीन होता है, जबकि आरएनए में भी प्यूरीन, एडेनिन, ग्वानीन होता है। तो जो प्यूरीन का नाइट्रोजिनस बेस होता है वो दोनों में सेम होता है। डिफर क्या होता है? पिरामिडीन के जो बेस होते हैं वो डिफर होते हैं। डीएनए में क्या पाया जाता है बच्चों? डीएनए में पाया जाता है साइटोसिन और थाइमिन, जबकि आरएनए में क्या पाया जाता है बच्चों? आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल, थाइमीन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है और साइटोसिन पाया जाता है। तो डीएनए आरएनए से किस तरीके से डिफर करता है? डीएनए में बच्चों डीऑक्सीराइबोज सुगर होती है, जबकि आरएनए में राइबोस सुगर होती है। आरएनए में नाइट्रोजिनस बेस यूरेसिल होता है, जबकि डीएनए में क्या होता है? यूरेसिल की जगह पर थाइमीन होता है। तो बच्चों आपने देखा आरएनए क्या होता है और अब हम बताएंगे आरएनए कितने टाइप के होते हैं। ये कोशिका में तीन प्रकार के आरएनए होते हैं। पहला आरएनए संदेह वाहक या एमआरएनए होता है, दूसरा आरएनए कौन सा होता है? आरआरएनए, और तीसरा आरएनए होता है टीआरएनए। तो बच्चों जो ये संदेह वाहक या एमआरएनए, संदेह वाहक का मतलब होता है संदेश को ले जाना, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसका निर्माण कहाँ होता है बच्चों? इसका निर्माण केंद्रक में होता है। केंद्रक में कहाँ पर? केंद्रक में उपस्थित डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होता है। तो केंद्रक में जो डीएनए होता है बच्चों उससे क्या बनता है? डीएनए से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए। तो
में जो डीएनए होता है उससे एमआरएनए बनता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बच्चों ट्रांसक्रिप्शन। अगर एमआरएनए से डीएनए बने तो उसे क्या कहते हैं? रिवर्स प्रोसेस हो रही तो इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एमआरएनए का निर्माण कैसे होता है? एमआरएनए का निर्माण जो केंद्रक या न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है उससे होता है एमआरएनए का निर्माण, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये कुल आरएनए का कितने परसेंट भाग होता है बच्चों? ये 3 से 5% होता है। और अभी हमने बताया इसका निर्माण केंद्रक में डीएनए के सांचों पर होता है। तो बच्चों इसको नाम संदेह वाहक आरएनए किसने दिया था? इसको नाम संदेह वाहक आरएनए फ्रांसिस जैकब और मोनाड नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसे संदेश वाहक या आरएनए अणुओं का नाम दिया। संदेश वाहक एमआरएनए जो होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है, संदेश वाहक आरएनए या एमआरएनए का काम होता है, ये जब इसका निर्माण न्यूक्लियस में हो जाता है बच्चों, तो ये न्यूक्लियस से किस में आ जाता है? ये बाहर कोशिका द्रव्य में आ जाता है। इसके बाद क्या करता है? यहाँ पे ये क्या करता है? एक केंद्रक से आदेश लेके क्या करता है? केंद्रक से आदेश लेके जो राइबोसोम पर आता है, और वहां पे क्या करता है? विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसका काम क्या होता है बच्चों? इसका काम होता है कि इसके अणु जब बन जाते हैं तो ये कोशिका द्रव्य में आता है। कोशिका द्रव्य में आके ये राइबोसोम पर क्या करता है? ये विभिन्न प्रकार की प्रोटीनों का निर्माण करता है। तो संदेह वाहक एमआरएनए जो होते हैं, तो बच्चों जो संदेश वाहक आरएनए होते हैं या एमआरएनए होते हैं, इसका निर्माण केंद्रक में होता है। केंद्रक में डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, इसका निर्माण तो होता है बच्चों न्यूक्लियस में, लेकिन ये इसके बाद कोशिका द्रव्य में आ जाता है। जब ये कोशिका द्रव्य में आ जाता है तो यहाँ पर ये राइबोसोम पे आके विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों का निर्माण करता है। दूसरा आरएनए कौन सा होता है? राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए। ये कौन सा आरएनए होता है? ये आरएनए के संरचनात्मक अणु होते हैं। ये कोशिका के कुल आरएनए का कितने प्रतिशत होता है? 80% होता है। तो बच्चों जो राइबोसोमल आरएनए होता है या आरआरएनए होता है, ये आरएनए के संरचनात्मक अणु होते हैं। ये कोशिका के कुल आरएनए का कितने प्रतिशत भाग होता है? ये 80% होता है। जबकि अभी हमने बताया था एमआरएनए कितना होता है, ये कुल आरएनए का 3 से 5% भाग होता है। ये भी केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है, लेकिन जो 3 टाइप के आरएनए होते हैं बच्चों, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, उन सब आरएनए में ये सबसे अधिक टाइम तक क्रियाशील रहता है। तो बच्चों इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण भी केंद्रक में होता है, डीएनए से होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये आरआरएनए जो होता है, ये काम क्या करता है? ये जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम उनकी संरचना में ये भाग लेते हैं, उनकी संरचना में ये भाग लेते हैं, और ये भी प्रोटीन संश्लेषण में क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। इनका काम क्या है? राइबोसोम की संरचना में भाग लेना और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। जबकि एमआरएनए का क्या काम था? वो केंद्रक से आदेश लेकर राइबोसोम पर क्या कर रहा था? विभिन्न प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करता था, और ये प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है आरआरएनए। तीसरा आरएनए कौन सा है बच्चों? स्थानांतरण आरएनए।
या इसे कहते हैं टीआरएनए। यह आरएनए जो होता है ये कोशिका के कुल आरएनए का 15 से 18% भाग होता है। ये पाया कहाँ जाता है? ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जबकि आरएनए और एमआरएनए कहाँ उत्पन्न हो रहे थे? ये केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न हो रहे थे, जबकि टीआरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये सबसे छोटे व घुलनशील अणु होते हैं आरएनए के, इसलिए इसे विलेय आरएनए अणु कहते हैं। इसका भी निर्माण केंद्रक में डीएनए के सांचों पर ही होता है। तो बच्चों, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए सबसे छोटे और घुलनशील आरएनए कौन से होते हैं जिन्हें विलेय आरएनए कहा जाता है, तो स्थानांतरण आरएनए या टीआरएनए होते हैं जो सबसे छोटे व घुलनशील अणु होते हैं। इन्हें विलेय आरएनए अणु कहते हैं। इनका काम क्या होता है टीआरएनए का? स्थानांतरण का मतलब ये स्थानांतरण में किसी चीज के मदद करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा स्थानांतरण या टीआरएनए। तो ये क्या करते हैं? जो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, जो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, उनको ये क्या करते हैं? जो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, उनको ये राइबोसोम पर लाते हैं। जब ये विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर ले आते हैं तो क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है इसके बाद। तो इनका काम क्या है? विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाना और फिर प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। तो बच्चों, पूछा जाए सबसे ज्यादा आरएनए कौन सा होता है कुल आरएनए का, तो कुल आरएनए का सबसे ज्यादा प्रतिशत आर आरएनए होता है। ये 80% होता है कुल आरएनए का। इसके बाद होता है टीआरएनए, ये कितना होता है? ये 15 से 18% होता है। और सबसे लास्ट में होता है एमआरएनए, ये कुल आरएनए का 3 से 5% भाग होता है। तो इस तरीके से बच्चों, आप लोगों ने देखा आरएनए क्या होता है, आरएनए कितने टाइप के होते हैं और इनका काम क्या होता है। तो बच्चों, यदि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।